डॉक्टर आनंद, मैंने तुम्हारी चिट्ठियां पढ़ी हैं। इस कम उम्र में भी काफी काबिल लगते हो। इस पिछड़े हुए गांव में तुमने क्या देखा है? डॉक्टर प्रसाद, आप इसी गांव में पैदा हुए थे? नहीं तो कब आए यहां प्रैक्टिस करने? कोई 35 साल। तब आपने क्या देखा था इस पिछड़े हुए गांव में? अगर आज तुम भी वही देख रहे हो जो तब मैंने देखा था, तो भगवान न करे कभी तुम वो भी देखो जो आज मैं देख रहा हूं। आओ ना डॉक्टर। डॉक्टर साहब पिछले 20 साल से कंपनी की रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं, और ये हमेशा याद रखना, उनके अलावा इस इलाके में कोई दूसरा डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस नहीं कर सकता। अगर डॉक्टर साहब खुद चाहें अपनी मदद के लिए जितने चाहे असिस्टेंट रख सकते हैं। तुम्हारा कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं, तुम्हें तनख्वाह मैं दूंगी। मालूम है कितनी? 250 रुपया। इस गांव में एक दिन रहकर तुम्हें मालूम हो जाएगा कि 250 कितनी बड़ी रकम है। अगर खर्च करना भी चाहो तो नहीं होगा, क्योंकि खाना पीना मुफ्त है और रहना भी मुफ्त। क्यों, कैसा लगा अपना कमरा? बहुत बढ़िया है। सुनो, अगर तुम उस शराबी जगन से बचकर रह सको तो मैं कहती हूँ हर महीने 200 रुपए बचा लेना, तुम्हारे लिए कोई मुश्किल नहीं। जगन? हाँ हाँ, डॉक्टर जगन अपने डॉक्टर साहब का दूसरा असिस्टेंट, ये पास वाला कमरा उसी का है। कमेंट डॉक्टर आनंद, कमरे में लाइट नहीं है। हद हो गई, पता ही नहीं चलता कब अंधेरा हो जाता है। डॉक्टर जगन्नाथ कुठारे, यू कैन कॉल मी जगन। बिना देखे आपने कैसे जान लिया कि मैं डॉक्टर आनंद हूँ? गांव में कुछ देर रहने के बाद लोग दरवाजा खटखटाने की जरूरत महसूस नहीं करते, और मुझे मालूम था कि शहर से एक नया डॉक्टर आने वाला है। पहले पहले बदबू आएगी, बाद में आदत पड़ जाएगी। इसके अलावा यहाँ कुछ मिलता भी तो नहीं, और अगर मिले भी तो हमारी जेब को उससे क्या वास्ता? कितना पानी? नो थैंक यू, मैं पीता नहीं। नहीं तो जिंदगी कैसे कटेगी? मैं यहाँ काम करने आया हूँ। कहाँ? सेवा। आनंद, टू यू आई विश यू ऑल द लक। डॉक्टर जगन, क्या आप यही डॉक्टर जगन्नाथ कोठारी हैं? MBBS बॉम्बे, MRCOG लंदन। मेडिकल हूज हूँ, इसके साथ तुम क्या कर रहे हो? इनके साथ मैं काम करता हूँ, उनके बारे में जान लेना पसंद करता हूँ। उनके बारे में जान लेने से बेहतर है डॉक्टर आनंद, उनको जान लेना। घबराओ नहीं, बहुत वक्त मिलेगा, जान जाएंगे हम एक दूसरे को। मेरे लिए अभी ये जान लेना बहुत जरूरी है। ठर्रे की बदबूदार बोतल देखता हूँ तो MRCOG लंदन समझ में नहीं आता। आनंद, मैं इसे बिल्कुल जरूरी नहीं समझता कि ये तुम्हारी समझ में आए। MRCOG सिर्फ 5 अक्षर हैं जिनका कोई मतलब नहीं, और ये ठर्रे की बोतल एक हकीकत है मेरे लिए, समझे? जी समझ गया। आनंद, आई एम सॉरी, यू नाराज होकर ना जाओ यार। ले यार आज का कोटा, ये दबा गया। अरे यार ये विटामिन टैबलेट्स का डब्बा है। इनसे मिलो। आनंद, डॉक्टर शायद तुम्हें बहुत मिल जाए, लेकिन आसपास के 50 गांव में अगर कोई डेंटिस्ट है तो अपना बोटा नहीं। डॉक्टर आनंद, डेंटिस्ट तो साहब आपको एक आध मिल ही जाएगा, लेकिन आसपास के 100 गांव में अगर औरतों का डॉक्टर मिलेगा तो एक ही मिलेगा, अपना जगह। ये बड़ी वीरान जगह है, यहाँ दो एक दो शाम को मिलकर कुछ गपशप न लगा ले तो वीरानी छाई रहती है। अच्छा जी, थैंक यू। ये इनका इनका गिलास। आनंद शराब नहीं पीता। शराब ही? आप शराब? डॉक्टर साहब, कहीं आप यहाँ सुधार करने के लिए तो नहीं आए? सुधार की जरूरत है यहाँ। जगन यार, ये कोई सीरियस आदमी निकला? डॉक्टर भोटानी, सीरियस का ये मतलब नहीं कि मुझे गपशप से चिढ़ है या हंसी मजाक पसंद नहीं। ये मैं जरूर समझता हूँ कि एक डॉक्टर वो आदमी है जो दूसरों की वीरानियां दूर करता है, उसकी अपनी जिंदगी में वीरानी के लिए कोई जगह नहीं हो सकती। डॉक्टर आनंद, अभी तक तुमने सपने देखे हैं, सपनों को टूटते हुए नहीं देखा।